फीट का, ये 360 अंश का एक चादर है, एक वृत्त में 360 अंश होता है। इस पे अगर देखोगे जो लोग लिए हाथ में, अगल बगल वाले उनके चाहने में देखे 360 तक लिखा होगा, जीरो से शुरू हुआ होगा और 360 तक गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने दो पट्टियां ली हैं, इसको कस दिया है, अब इसमें पहला हमारा जीरो अंश है, ये अभी तीनों अगर लाइनें एक सीध में, देखिए इसमें तीनों लाइनें एक सीध में, दोनों पट्टी की लाइन और चांदे की लाइन एक सीध में है, ये जीरो अंश का मापक है। किसका है? जीरो अंश का मापक है। इसको हम शून्य अंश का कोण कहते हैं। अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ाए, एक ऊपर वाली पट्टी को थोड़ा सा खिसकाइए, नीचे वाली को जहां तहां छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद अगर हम देखते हैं, जैसे यहां पे हमने 60 अंश पे ले आकर रोक दिया, तो ये कोण जो बना है ये कितने अंश का कोण है? 60 अंश का कोण है। तो जीरो से लेकर 90 के बीच, 90 जो है एकदम सीधे खड़ा करेंगे तो ये 90 अंश का कोण होगा। ये क्या होगा? 90 अंश का कोण इस तरह से होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 90, 90 अंश का कोण है। 90 से अगर थोड़ा सा भी कम कर दिए तो ये क्या होगा? ये न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। जीरो से ज्यादा और 90 से कम अंश के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं। और जब ठीक 90 अंश पे हम ले आके इसको रोकेंगे इस तरह से, जैसे अब 90 अंश पे हमने रोक दिया इसको, तो ये क्या हो गया? सम कोण। कौन सा कोण है? सम कोण। यानी कि 90 अंश का कोण क्या कहलाएगा? सम कोण। जमीन पर जो भी इमारत खड़ी होती है, चाहे जो भी चीजें खड़ी होती हैं, वो 90 अंश के कोण पर खड़ी होती है, उसे सम कोण कहते हैं। ध्यान से देखो, न्यून कोण बना तो दोनों रेखाओं के बीच क्या था? झुकाव नजदीक था। सम कोण पे ये क्या हो गई? सीधे की सीधे खड़ा हो गई। 90 अंश के कोण पे जाते ये क्या हो गई? सीधी रेखा खड़ी हो गई। जब 90 से ज्यादा और 180 से कम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण में जो दूसरी रेखा है वो बाहर की ओर गिरती हुई दिखाई देगी, ऐसे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? और अधिक कोण कहाँ तक चलेगा? 180 से कम तक। 90 से ज्यादा और 180 से कम तक का जो कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। और जो 180 अंश का कोण होगा, 180 अंश का कोण कब बनेगा? जब दोनों लाइन हम फिर से एक सीध में ले आ देंगे। तो ये आधा चांदा हो गया, और आधा चांदा तुम्हारे पास होता है तो उसमें क्या होता है? 180 अंश का कोण होता है। यहाँ पे भी 180 अंश का एक कोण बन रहा है, आधा ऊपर बना 180 का और आधा नीचे की तरफ बना। फिर अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं 180 से आगे, तो ये जाएगा जो, तो अब ये वाला कोण हम नापेंगे यहाँ से यहाँ पे नापेंगे। अगर हम देखें तो इस रेखा को हम यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? ये बृहद कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? 180 अंश से ज्यादा को बृहद कोण कहते हैं। जो ऋजु कोण था वो 180 अंश का कोण था, जो 180 अंश का कोण बना था आधे पे, ये क्या था? ऋजु कोण था। कौन सा कोण था? ऋजु कोण। ऋजु कोण उससे अधिक गए, और 360 से कम तक जो भी कोण होगा ये कौन सा कोण कहलाएगा? बृहद।